नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ठाकुर। आज हम फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए। इस वीडियो का टॉपिक है डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया। ये भी एक सिजोफ्रेनिया का एक सब टाइप है। जो पहले हम दो सब टाइप देख चुके हैं, ये तीसरा सब टाइप है डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया। और हम इसके होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी चर्चा करेंगे, बात करेंगे। हमारा होम्योपैथिक इनसाइट ऐप जो है वो आप गूगल प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ हमारे सारे वीडियो अवेलेबल है और टीचर्स, स्टूडेंट्स और क्लिनिशियंस के लिए कुछ खास वीडियोस भी हम उस ऐप में रखने वाले हैं। तो दोस्तों, देखते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है। इसमें खासकर क्या है कि स्किज़ोफ्रेनिया के जो सिम्टम्स है ये सारे इसमें रहने ही वाले हैं, लेकिन इसमें जो प्रोमिनेंट सिम्टम होते हैं वो है इररिलेवेंट टॉकिंग और इरेशनल थॉट्स। ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस में हमें देखने को मिलती है। लाइक कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया में रिजिडिटी या फिर पोस्चरिंग ये जो था वो प्रोमिनेंट था, तो इसमें इररिलेवेंट टॉकिंग एंड इरेशनल थॉट्स ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। और ये पेशेंट भले ही दिखने में ठीक लगे, लेकिन जो डिसऑर्गेनाइज टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया रहता, इसमें पेशेंट के थॉट्स में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कि वो कुछ के कुछ सोचने लग जाते हैं। एक ख्याली दुनिया वो अलग से अपनी बना लेते हैं, जहाँ पे उनके दिमाग में आने वाले थॉट्स को ही वो अल्टीमेट रियलिटी समझते हैं और उस रियलिटी के हिसाब से ही वो काम करते हैं। उनके बिलीव्स इतने पक्के फर्म होते हैं, वो थॉट्स इतने पक्के होते हैं कि कितना भी समझाने के बावजूद वो थॉट्स उनके दिमाग से जाते नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट जिसको लगता था कि उसके फ़ोन को हैक कर लिया गया है और पूरी दुनिया वो फ़ोन के माध्यम से उसके ऊपर नज़र रख रही है, तो उसने वो फ़ोन यूज़ करना छोड़ दिया। लेकिन ये थॉट इतना पक्का था कि वो मोबाइल यूज़ करना छोड़ने के बावजूद उसे ये लगता रहता था कि किसी न किसी तरीके से वो लोग मेरे ऊपर वॉच रख रहे हैं। पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया में भी ये होता है, लेकिन यह प्रोमिनेंट इसलिए है डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया का सिम्टम कि यह एबनॉर्मल है, इरेशनल है, क्योंकि कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे ऐसा वॉच रखा जा सके। वो फ़ोन इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, इसके बावजूद उसके बिलीव जो है इतने फर्म है, इतने फिक्स्ड आइडियाज़ है कि ऐसा है ही और है ही, चाहे उसके बारे में कोई सबूत हो या ना हो, कोई एक्सप्लेनेशन, कोई जस्टिफिकेशन नहीं भी हो, तो इसके दिमाग में यह रिलेवेंट थॉट आते रहते। और फिर ये रिलेवेंट थॉट को, इरेशनल थॉट्स को वह रिलेवेंट टॉकिंग के माध्यम से बाहर निकालता है। कुछ भी बोलेगा जिसका कोई संबंध नहीं है, अजीब बातें बोलेगा जिसका कोई रैशनल जस्टिफिकेशन नहीं है या फिर साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, ऐसी चीज़ें वो बातें बोलेगा। हम कुछ और टॉपिक पर बात कर रहे हैं और वो कुछ और ही बोलेगा, इस तरीके से इरिलेवेंट, कोई संबंध नहीं है, ऐसी बातें वो जनरली बोलता रहता है। उसके थॉट्स में फ्लाइट ऑफ थॉट्स रहेंगे, मतलब आप अभी ये इस चीज़ के बारे में विचार कर रहा है, अभी थोड़ी देर बाद दूसरी चीज़ के बारे में विचार करेगा। वैसे ही वो बात करने में अभी इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, थोड़ी देर बाद दूसरी चीज़ के बारे में बात करेगा, जिसका आपस में कोई तालमेल नहीं है, संबंध नहीं है, ऐसे इरिलेवेंट टॉकिंग वो करते रहते हैं। इसके साथ साथ हमें स्किज़ोफ्रेनिया के अदर सिम्टम जो है, मतलब ऑडिटरी हेलुसिनेशन, विजुअल हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स, ये भी रहेंगे, लेकिन ये उतने प्रोमिनेंट नहीं दिखते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया में, जितने कि इनका जो इरेलेवेंट टॉकिंग होता है और इरेशनल थॉट प्रोसेस जो होता है वह इनका ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया में। अभी इसके लिए कौन सी मेडिसिंस है जो इम्पॉर्टेंट है और जिनकी टोटलिटी इसके काफ़ी क्लोज आती है, तो इम्पॉर्टेंट रेमेडीज हाई स्क्वायमस, ट्राइमोनियम, कैनबिस इंडिका। ये तीन रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यह बहुत क्लोज इनका टोटलिटी डिसऑर्गेनाइज स्किज़ोफ्रेनिया के पास आता है। दूसरी रेमेडीज़ भी है, जैसे लैकेसिस है, क्रोटेलो सॉलिडस है, मेडोरिनम है, सेफिलिनम है, ओपीएम है, सल्फर है, ये सारी रेमेडीज भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम हायस्कामस, ट्राइमोनियम, इवन यू कैन इंक्लूड वेरेट्रम एल्बम और कैनबिस इंडिका, इनको देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छे से इन पेशेंट को ट्रीट कर सकती है। बट स्टिल यू नीड टू सिलेक्ट योर मेडिसिन कॉन्स्टिट्यूशनली ऑन द रूल्स। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।